ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਮੁਝੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਦੋ ਮੁਝੇ ਯਾਰ, ਲਾ ਤੁਮਾਰਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਝੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सिमट कर सोना चाहता हूँ, जमाने से छिप कर रोना चाहता हूँ, और तुझे भुलाने की ऐसी जिद पकड़ी है, जबरदस्ती किसी का होना चाहता हूँ। हे व्हाट्स अप, मैं तेरे को हिंदी नहीं आती क्या? हिंदी में भी बात कर लिया अगर कभी। oh, no. आप मुझे गर्म केंद्रीय बिंदु देने का कष्ट करेंगे? ये क्या है? हॉटस्पॉट। भाई साहब क्या कह रहे हो? भाई साहब। ओह नो। देख भाई, ज्यादा लंबे चौड़े फॉर्म तो मैं भरूंगा नहीं, माँ क्या होती है ये बता और बैठ जा। बिना तेल के ही सब्जी छोंक लेती है, कहीं पुलिस ना ले जाए मुझे उठाकर, इस डर से वो खांसी रोक लेती है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं। चलो आज लड़कों के बारे में एक सच बताता हूँ, जो लड़के बहुत बातें करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। मैं आजकल सुन रहा हूं कि जिन लड़कों की शादियां इन तारीखों में तय थी, वो सरकार के डर से 3-4 लोग जाकर निकाह पढ़ाकर दुल्हन को बड़ी सादगी के साथ घर लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही सादगी अगर खुदा के डर से की होती तो कोई गरीब की बेटी आज घर में न बैठी होती है ना। मेरे हालात ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे बताओ बच्चों, इंग्लिश में तो काफी वर्ड साइलेंट होते हैं, हिंदी में होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। बताओ बताओ। मैम जैसे दुकानदार कहते हैं कि हम आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो उसमें चूना वर्ड साइलेंट होता है। और शादी में लड़की वाले कहते हैं कि हमारी लड़की गाय है, उसमें सिंग वर्ड साइलेंट होता है। और विदाई के टाइम जब लड़के को कहा जाता है कि ख्याल रखना, तो उसमें अपना वर्ड साइलेंट होता है। और जब नेता कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे, तो उसमें अपनी शब्द साइलेंट होता है।